नमस्कार, आप देख रहे हैं KTR वॉइस। मैं हर स्वामी खबर खेतड़ी उपखंड से है, जहां ढेरवाला क्रिकेट प्रतियोगिता का आज समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि समाज से मनोज घुमरिया रहे। वहीं प्रतियोगिता गुड्डा की टीम ने जीती है और राजपुरा को हराकर विजेता बनी है। इसी दौरान विजेता व उपविजेता टीम को सम्मानित भी किया गया। समाज से मनोज घुमरिया की टीम द्वारा विजेता टीम को 21,000 रुपये व उपविजेता टीम को 11,000 रुपये के साथ ट्रॉफी प्रदान की गई। इस दौरान समाज सेवी मनोज घुमरिया ने एक बड़ी घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि खेतड़ी में फुटबॉल की बड़ी प्रतियोगिता होगी, साथ ही जनवरी में यह प्रतियोगिता आयोजन होगा, जिसमें 51,000 रुपये विजेता टीम को दिए जाएंगे, वहीं उप विजेता को 31,000 रुपये मिलेंगे। प्रतियोगिता फुटबॉल की प्रतियोगिता प्रतिभाओं को तराशने के लिए माध्यम बनेगी, जिसमें बड़ी टीमों को भी आमंत्रित किया जाएगा। कि फाइनल की शोभा बढ़ाई आप सब लोगों ने, साथ ही साथ विजेता जो टीम है गुड़ा की, इसे बधाई देता हूं, और जो हमारी उपविजेता टीम है राजनगर राजवाली, उसे भी बधाई देता हूं कि आज आपने अपना श्रेष्ठ खेल दिखाया, पर दिन आपका नहीं था, तो निराश नहीं होना। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो इंसान को उसके शारीरिक फिटनेस के साथ साथ जीवन में बहुत ऊंचाइयां भी देता है, और आज बड़ा लोकप्रिय गेम है। इसी खेल को मैंने भी अपने जीवन में बहुत समय तक खेला है, और आज इन युवा साथियों को मैदान में देखता हूं तो अपने पुराने दिन याद आते हैं। साथ ही साथ हमारे गांव के ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और जिन लोगों ने सारे जो युवा क्रिकेट क्लब के साथी हैं इस ढेरवाड़ा क्रिकेट प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया, इस सब के लिए मैं अपनी तरफ से इनको सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। युवा साथियों को ये एक सामूहिक संगठन और उस संगठन का एक सफल आयोजन का आप लोगों ने परिचय दिया। बड़ी शांति से इस पूरे आयोजन के अंदर 25 टीमें आई, और आप सब लोगों ने मिलके उन 25 टीमों का स्वागत किया, उनको अच्छे से खिलाया, यहाँ तक कि उनके खाने तक की भी व्यवस्थाएं रखी, और किसी भी आदमी को कोई परेशानी नहीं होने दी। बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए कि आपके एम्पायर डिसीजन बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ हर खिलाड़ी का आप ध्यान रख रहे थे, तो यही एक आयोजनकर्ता के लिए सबसे बड़ी बात होती है। सम्मानित साथियों, हमारे क्षेत्र के अंदर क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर होता रहता है, और उसी कड़ी में ये जो हर साल का आयोजन है उसका ये 2024 का क्रिकेट प्रतियोगिता का ये कप था जिसको गुड़ा ने जीता है। मैं आपको एक ढेरवाड़ा की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से एक शानदार खुशखबरी देना चाहता हूं कि इसी कड़ी के अंदर हम कुछ नया करने जा रहे हैं, और आने वाले 2025 की 1 जनवरी को ढेरवाड़ा के अंदर एक शानदार फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा, और उस प्रतियोगिता की प्रथम विजेता टीम का जो पुरस्कार होगा वो 51,000 रुपये होगा, और इसके साथ ही जो उपविजेता टीम है उसका 31,000 रुपये का इनाम होगा। मैं प्रयास करूंगा कि इस दौरान हमारे इस गांव को एक फुटबॉल का ग्राउंड दें, और साथ ही उस ग्राउंड का प्रबंधन चारों तरफ से शानदार तरीके से यही युवा साथी करेंगे, और इन्हीं युवा साथियों के तत्वाधान में, इन्हीं के सबके देखरेख के अंदर उस प्रतियोगिता का सफल आयोजन हम सब लोग मिलकर करेंगे। आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने क्रिकेट के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसी प्रकार फुटबॉल को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि फुटबॉल में हमारी राष्ट्रीय टीम का जो स्तर है वो भी हमें सुधारना है। युवा साथियों, जब वर्ल्ड कप होता है तब हम हिंदुस्तान का झंडा नहीं देखते हैं तो दिल में बड़ी टीस सी लगती है, क्योंकि इतने 150 करोड़ हो गई अब तो हमारी आबादी, मोदी जी को भी हम बताएंगे कि 140 से ऊपर बढ़ जाओ, अब 150 से ऊपर पहुंच रहे हैं, और इस 150 करोड़ की आबादी के अंदर 11 फुटबॉलर नहीं हमारे पास में। इसलिए युवा साथियों, मेरा भी मन है कि हम सब लोग फुटबॉल पे और अन्य गेमों पे भी ध्यान दें क्रिकेट के साथ साथ, जिससे कि हमारे राष्ट्रीय क्रिकेट के जो राष्ट्रीय फुटबॉल के जो स्तर है उसको सुधारा जा सके, और उसकी शुरुआत ग्रामीण अंचल से ही होती है। ग्रामीण अंचल के अंदर जो युवा प्रतिभाएं हैं वो तराशने की उनको जरूरत है, और उन्हीं को तराशने के लिए हम प्रॉपर तरीके से ये टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर
आपको कोच और साथ में एक अच्छे मजे हुए रेफरी मिलेंगे और प्रॉपर तरीके से फुटबॉल के नियम कायदों के अंदर इस आयोजन को पूरी तरह संपन्न करवाएंगे। दूर दराज से जितनी भी टीमें आएंगी उनके रहने का खाने का सारा प्रबंध होगा और कुल मिला के ये कार्यक्रम नए साल के दौरान एक महाकुंभ की तरह होगा। मैं आप लोगों को आज डहरवाला क्रिकेट क्लब की तरफ से डहरवाला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जो प्रतिवर्ष होता है, बड़ा सफल आयोजन। इसमें 25 टीमों ने भाग लिया और आज फाइनल में गुड़ा ने राजवाली राजनगर को हराते हुए प्रथम स्थान विजेता के रूप में अपनी ट्रॉफी जीती। मैं सभी यहां उपस्थित खेल प्रेमियों के साथ साथ जो भी क्रिकेट को पसंद करते हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं और हमारे गांव का, हमारे पूरे क्षेत्र का यही प्रयास रहता है कि हम लोग खेल की भावना को बढ़ावा दें और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर करवाते रहते हैं। आप सब लोगों के लिए, पूरे खेतड़ी वासियों के लिए खुशखबरी है, 1 जनवरी 2025 को डहरवाला क्लब की तरफ से फुटबॉल के बड़े आयोजन का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे क्षेत्र में आसपास की जो टीमें हैं, जो बड़े क्लब हैं, उन सबको आमंत्रित करेंगे और इसकी जो इनामी राशि है वो प्रथम विजेता को 51,000 और जो रनरअप रहेगा उसे 31,000 की नगद इनाम राशि दी जाएगी। जो टीमें बाहर से आएंगी खेलने उनके रहने करने की और खाने की व्यवस्थाएं भी दी जाएंगी। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में हर प्रकार के खेल को बढ़ावा मिले। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और अन्य जो गेम्स हैं इनके भी हम लोग आयोजन समय समय पर करवाएंगे। आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं और इस क्रिकेट प्रतियोगिता का जिस प्रकार से आप लोगों ने लुप्त लिया है उसी प्रकार नए साल के पहले दिन फुटबॉल प्रतियोगिता जो पूरे क्षेत्र में शानदार आयोजन होगा और खेतड़ी इससे सभी जो खेल प्रेमी हैं उनको बड़ा आनंद आएगा। मैं आप सब लोग को पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा जो हमारे आयोजनकर्ता हैं, विशेष रूप से डहरवाला के युवा साथी, युवा मंडल के मेरे सारे सदस्य जो इस पूरे आयोजन के पीछे अपनी कड़ी मेहनत लगाते हैं उनको बार बार धन्यवाद दूंगा। इस तरह के आयोजन वो बार बार करते रहें और समय समय पे हम पूरे क्षेत्र को, खेल प्रेमियों को नए नए खेलों का आयोजन करके खुशखबरियां देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।